रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप ये खोल सकते हैं? I need to access my bathroom. Oh, thank you so much. शंभू, गर्म पानी आ रहा है, देखना पड़ेगा। पायल, she was trying to, I saw her, ऐसा कि इधर घूम रही है, I got up, I came out, मेरे को देखी, चुपचाप उधर अपने योगा मैट पे। नहीं नहीं, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा ना। नहीं, she was trying. क्या हिम्मत है। नहीं, इसको, इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। Double punishment will be very lethal. Because if they do it. हम तो अब भुगतेंगे, we are trying to save, भुगतेंगे, क्या करें थोड़ा? अरे पर उनको डबल पनिशमेंट होगी। मेरा एक्सेस खत्म हो चुका है, कैन यू प्लीज लॉक दिस डोर? प्लीज ओपन द वॉशरूम डोर दैट यू हैव गिवन एक्सेस टू टीम ब्लू। मैं पूनम का नंबर्ड माइक यूज़ कर रही हूँ, सो आई एम पूनम राइट नाउ। आपने हम सबको स्पेसिफिकली अलग अलग नंबर्ड माइक्स दिए हैं, यू नो, ऑडियोज दिए हैं। मेरे पास पूनम का नंबर्ड ऑडियो माइक है, आई एम पूनम राइट नाउ। नो, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वांट हर टू डू इट। I want her to make her team get in trouble. Let her do it. I mean, of course, we will protect as much as possible, but if she does it, she's responsible for her team. Everybody's jealous. हमको नहीं मिला, इनको भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ। Trust me, the best way to kill them is to kill them. Luxury. मतलब जाके बाहर बोल देगा कि यार क्या मजा आ रही है। Let's do that. उनको जला जला के इनकी मारते हैं, बहुत मजा आएगी। हाँ। आपको पूनम का माइक 4 बजे कैसे मिला? वो अपना माइक नीचे चादर के ऊपर रख के सो रही थी, ऐसे नीचे। तो मैंने उसका मशीन उठाया, उसका माइक और वहाँ तक जाके मैंने ये सब किया, मशीन एक्सचेंज किया, सब कुछ किया। मशीन एक्सचेंज प्ले लाइक दिस वे, वी हैव टू एक्सचेंज इट। नो, ये क्या कह रहे हैं? क्या मालूम, आई एम वेयरिंग पूनम, आई एम आल्सो वेयरिंग पायल। समझ नहीं पड़ा मुझे। सुबह सुबह से तो मैं खड़ी थी बाहर और सारा को लगा मेरे को बाथरूम में घुसना है। I have no idea. That was weird. That is weird. Yeah. क्यों हमको माइक बदलने के लिए आप बोल रहे हो? It's so funny. आज की ताजा खबर।
क्या है? विवेक अग्निहोत्री सुनने की फिल्म डिक्लेयर टैक्स फ्री रात का कश्मीर फाइल स्टारिंग अनुपम खेर बलरामजोशी कश्मीरी हिंदू जो इन द कश्मीर वेरी वेरी गुड ऑल द बेस्ट टू विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स. हम ये हुआ 1990 में और अभी तक इट्स 2022 लगा लोगों को असली कहानी बताने के लिए. बिकॉज जब 1990 में हुआ तभी कोई सोशल मीडिया नहीं था. ही इज बीइंग अलाउड टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवीज. ही शुड बी ऑलवेज अलाउड. ही इज एन इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन. सो ऑल्सो आई एम ग्लैड दैट आर हमारी जो सरकार है दे आर प्रमोटिंग टू मेक रियल मूवीज. फ्रीडम ऑफ स्पीच सब जगह होनी चाहिए और ये तो रियल कहानी है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज इट हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. यस चलो भले आपको थोड़ा यहां पे ना ट्रोल करते हैं और आपको ना बोलते हैं व्हेन यू से समथिंग और एनी सो बट व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट टू इन एंटरटेनमेंट क्रिएटिव फ्रीडम मिली एंड दैट्स वेयर पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड एंड यूथ एंड एवरीबॉडी शुड नो दीस आर द फैक्ट्स. वो जेट स्प्रे का कमाल क्या पता है? When you do potty or those skid marks aate na, you can easily clean it. Yes, exactly. वो ऐसे सब लगाना नहीं होता है. हाँ, वो stress ही नहीं होता. देखो किसने किया क्या किया. एंजी में जरा मेरी इंटरनेशनल लेवल के कमोड पे सेंड ऑफ करके आती हो. I felt so humiliated using it the first time. मुझे भी. I don't know why. मेरे को ना अंदर से जब याद है when Kundra had come that time and I wanted to use it. When I sat, I felt so, and I couldn't even clean it. How did, there was no tissue. One sec, are you telling me a story or are you rubbing it in right now? It just reminded me, it was connected. Okay. Surprising, it's the story is coming out now when I'm just about to enter my bathroom, but good, I'm happy for you. No, I told you that time also, because I'm very happy for you. I remember, I have to say, things at that moment itself. Ek hafte ke liye mila kya bas? Ek mahine ke liye, nahi, ek hafte ke liye bola tha na. कोई बात नहीं. एक हफ्ता तो रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ 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 के लाऊंगा भाई. वाह, लाइफ सेट है. बोले शंकर, बस एक गद्दे का जुगाड़ हो जाए, हड्डियाँ सीधी हो जाए, मेरी टेढ़ा हो गया मैं थोड़ा सा, कुब्बा चलने लग जाऊँ मैं. पहले मैं बहुत सीधा चलता था, फिर मेरी ज़िंदगी में लॉकअप आया, फिर मेरी चाल टेढ़ी हो गई, फिर मेरी ज़िंदगी में चटाई आई और चटाई पर सोने के बाद मेरी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई. कोई बात नहीं, गद्दे को मैं लेके रहूँगा इस हफ्ते. कल जीतूँगा मैं. कौन सा चैलेंज जीतूँगा? नहीं, आज होगा ना अरीना, शायद आज जेलर आएंगे. आज मैं जीतूंगा गद्दे. अरे अरे, टेढ़ी होगी चाल मेरी. कोई बात नहीं, लैविश बाथरूम तो अपना है बेटा. शिवम लॉकअप में आ गए, ये टपा टप देने गए तो मजा आ गया. मैं आ रही हूँ ये बाथरूम में साफ करने. क्या मैं इस बाथरूम में जाऊं सफाई करने के लिए? मैं एक बार जाके देखती हूं. लाइट अगर चेंज होती है तो उसका मतलब है आप मुझे जाने दे रहे हैं. अगर लाइट चेंज नहीं होती, मतलब आप नहीं चाहते कि मैं ये बाथरूम साफ करूं, तो द पनिशमेंट इज़ ऑन यू. ओके, इनका दंड ये होगा कि बाथरूम जाएगा दूसरी टीम को. हमारी परमिशन के बिना क्लीन नहीं कर सकते. अपनी जिम्मेवारी निभा रहे. हाँ, हमको तो साफ करना है ना. यस, जा रही हूँ. अब हम अपनी जिम्मेदारी जो जेलर ने, हम क्यों पनिशमेंट लेंगे बेवजह? हमारा काम, हम कैमरे के सामने जाके बोलेंगे. हाँ. कैमरा खोलेगा तो हम करके आएंगे और नहीं खोलेगा तो भी. थैंक यू सो मच. आई होप यू कीप दिस कंटेंट. करवाना. थैंक यू सो मच आपके. मैं कैमरा से बात कर रही थी. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के अपना नैरेटिव क्लियर कर रही थी. कर दिया. जाइए. थैंक यू. क्लीन करना. गलत फहमी नहीं है, मैं जेलर को बताना चाहती थी और अपनी अटेंडेंस देना चाहती थी. इरिटेशन होती है. मुझे कोई इरिटेशन नहीं है, ना मुझे बाथरूम साफ करने का शौक है. मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों की गंदगी साफ करने का मुझे कोई शौक नहीं है. मैं अटेंडेंस देने गई थी. आपके साथ नहीं, उनके साथ मस्ती नहीं होती. वो डायरेक्टली अटैक करते हैं. उनको जवाब सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए. उनको स्त्री द्वेषी बोला
गया है, आप समझ रहे हो? और वो मैंने बोला है कैमरा के ऊपर, वो पब्लिक ओपिनियन थी, तो वो पब्लिक ओपिनियन मैं खाली रिपीट कर रही थी क्योंकि मैंने ऐसा खुद बोला है। पुरुषों पर शिवम ने आके इनको चुगली करी, बाद में आप बोलते हैं कि ये पुरुष और ये स्त्री दोषी है। बुली केवी इज अ मेल शॉविनिस्ट, आई फील केवी इज अ बुली, केवी इज अ मेल शॉविनिस्ट क्योंकि ये स्टैंड का नाम लेके मेरे पे टॉर्च मार रहे थे। यार प्लीज उन लोग को बोलो ना अंदर आके लड़े। क्या बात है, ये देखो पुरुष दोषी, पहली बार सुना होगा नाम पुरुष दोषी, ये लड़की आपके सामने जो खड़ी है पुरुष दोषी है। और पायल की चलते रहेगी क्यों, कुछ 15 मिनट के लिए तो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे वो लोग। तब जब सारा तमाशा हुआ था तेरा, तब 15-20 मिनट के लिए कितने प्यारे फ्रेंड्स बन गए थे दोनों। हाँ। तो इतने पक्के कि बस मेल शोविनिस्ट। देख उसको भी उसके वर्ड्स अभी पता चल गए क्या उसको ट्रिगर करते हैं। जोरू का गुलाम चाहती है, सारे मैन को अपने नीचे दबाना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है, इक्वल नहीं समझती है ये लड़की, जो इक्वल नहीं समझती है, इक्वल नहीं समझती। बंदरबार टास्क में केवी की वजह से टीम ऑरेंज डिस्क्वालिफाई हुई, यस्टरडे के टास्क में टीम ऑरेंज वाज नॉट डिस्क्वालिफाइड, दे लॉस्ट बाय नैनो सेकंड। चार्जशीट पे इसीलिए, चार्जशीट में तो अंकल आंटी भी है, चार्जशीट में अंकल आंटी भी है। अरे इस पे हंसो, चलो चार्जशीट में अंकल आंटी भी है, मिसोजिनिस्ट भी है, बुली भी है। पहली बार आपने नाम सुना होगा पुरुष द्वेषी, दैट वुमन, शी लव्स मेन टू बी मेल, मतलब जोरू का गुलाम चाहती है, शी दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी के मैं अपने नीचे ही रहे, अपने नीचे ही रहे, यू नो हाउ वी हैव मेन ट्रीट वुमेन इक्वल। आपको किसी की बात सुननी नहीं आती, वुमेन वांट इक्वालिटी, शी डजंट वांट इक्वालिटी, शी वांट्स के वो मेरे नीचे रहे, वो मेरे नीचे रहे, करूं तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई कॉल हर, दैट्स व्हाई आई कॉल हर पुरुष दोषी। चाय बनाती चाहिए तो पुरुष दोषी। क्या बोली आंटी? चाय आंटी, आंटी क्या बोली? आंटी मत कहो ना। यस यू आर नॉट आंटी, थैंक यू, आर नॉट आंटी। आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सासू माँ, ओए सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ बोलो इसे, सासू माँ बुला रही है, इज एवरीथिंग ओके? आई सेंड अ गुड जेस्चर देयर, आई वुड नॉट से एनीथिंग नास्टी टू यू, देन व्हाई डिड यू से समथिंग नास्टी? यू जस्ट हैव दोस नास्टी एक्सप्रेशंस, दैट्स इट। Thank you for the compliment. Really? I love that. You made my day. She made my day. यार ईगो, ईगो ही हर्ट हो रहे ना, और तो कुछ ऐसा मेजर तो हो नहीं गया जिसके वजह से इतना लड़े। पर कितनी बार पर सेम टॉपिक पे झगड़ने का यार। You are look a dominating, look at, dominating chauvinist personality who either look at this, wants young girls this, to have affair with this, him or wants a harem of girls. जो बोले दिन तो दिन, रात तो रात, ठीक है ना? यहाँ पे मेरे साथ नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। I'm the kind of guy who wants a harem of girls. How dare you bring the word Joru ka gulab? Look at this disgusting, Anjali, I swear. Sangram, you say this guy is calling you Joru ka gulab. This man who is a chauvinist is calling you Joru ka gulab. How stupid, how idiotic. This is the kind of woman she talks. How illiterate, illogical person he is. Sick person you are. Your mind is sick. You are sick. You are so sick. A harem of women. You are so, you know what, you're sick. Cheap. You want a harem you're of women cheap. Or you want love cheap, angles. Disgusting, you man. Don't like independent cheap, disgusting. Women who cheap. Have a thought process. Cheap, and disgusting. That is why you hate even, my guts. I you use the word Joru ka gulab. How guts? Dare you? I don't hate how your dare guts. You bring my partner in this show? I detest your guts. Dogla insaan, two-faced, dishonest, selfish human being. Using the word Joru ka gulab. Panchalangin. पंचांगिन, 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 ये पंचांगिन है, पांच पांच मुंह है, एक का मैं न्यू शो पंचांगिन, पंचांगिन है ये, नागिन, नागिन सेवन का नागिन, पंचांगिन, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कैसा कन्वीनियंटली संग्राम जी को लेकर आ गई, ओए होए होए होए, सॉरी संग्राम जी, आई एम रियली रियली सॉरी, आई डिड नॉट गेट यू इन, शी गॉट यू इन।
You just did Joru ka gulam shi. Not just it. And it's okay. Our mentality is like that. Joru ka gulam is okay. कोई फर्क नहीं पड़ता. वो गया ज़माना Joru ka gulam बोल के कोई. ठीक है. हम चुप के. जहाँ इश्क होता है. अरे मैं हूँ यार. मैं घर में बिल्ली हूँ यार. बात हो शेर. अच्छी बात है. मैं तो हक से बोलता हूँ. अच्छी बात है यार. क्या फर्क पड़ता है. बनता है भैया. इसको. He cannot bring my partner in this show. Sangram Singh is not Joru ka gulam. वैसे ही 12 साल से हमारी शादी डिले हो रही है. I don't want his parents to think कि Payal prefers Joru ka gulam. That is why Payal और Sangram की शादी डिले हो रही है. How dare he gets personal like this way? मैंने कभी उनकी वाइफ के बारे में बात किया है? Do you know we have been engaged for so many years and we have not been married? How dare he say that? No, it's wrong. It's so wrong. और वहाँ पे संग्राम के जो दोस्त होते हैं वो उसको वो करते हैं, प्रोवोक करते हैं. He cannot use the word Joru ka gulam. संग्राम is not a Joru ka gulam. शांत. अंदर नया ड्रामा चालू हो गया है. अंदर आओ. सॉरी अंदर नया रोना. रो अरे चलो 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 चलो. रो रही है. जल्दी आओ. रो रही है. वाह वाह वाह. You know you're strong. You attack me. You tell me I'm a bad person. You tell me don't get my partner in this show. I've been engaged for so long and I've not got married. Because you've not been able to come to a point. Bad job, bad job. Scum said no. I want to get married to Sangram. Just hug on my focus. And people tell him he's a jerk. People tell him. कि औरत को ऐसा करना चाहिए औरत को वैसा करना चाहिए और मैं अपने आप को चेंज करती हूँ. I want to get married. You will get married. Sangram is not Joru ka gulam and Payal is not his pair ki jooti. We are equal people. Yes. I feel आज के ज़माने में Joru ka gulam is मतलब it's not a hard hitting word. It's a cool word. It's a bloody cool thing. Yeah, it's a cool word. Maybe, but maybe no. Understand, it's a trigger point. Maybe because of her whatever of so many years or whatsoever, वो समझ में आ रहा होगा. अब दूसरों का भी तो trigger point समझो ना. ये देखो, ये क्या हो रहा है बार? What is this happening? ये दो चेलियाँ उधर है, एक चेली यहाँ पे भी है. कल कैसे? शिवम, you are so good. अंदर जाते ही शिवम के अगेंस्ट एक तीला चाबी भरी नहीं बाबा ने. ओ शिवम, you are bad. दिखता सबको सब कुछ है बट बोलते नहीं है. क्यों? क्योंकि अपने ब्लॉक में बंदे हैं. क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं? खेलेंगे तरीके से. एक दिन ब्लॉक कुछ नहीं रह जाएगा भाई. एंड में जाएगा टॉप में सिर्फ एक और एक सर्वप्रथम. बोले शंकर, ये बात निकली, ये बात नहीं करनी चाहिए डिस्कशन इस घर में. सॉरी बोला इसको, मुझे ऐसा खत्म नहीं होना चाहिए. बात खत्म हो गई. एग्जैक्टली. और तू भी, तू क्यों रो रही है यहाँ पे? पॉइंट आउट करके उसको जाके बोल. यू शुड टेक अ स्टैंड. मेरा नाम मत ले, इसके बाद तो फोड़ दूंगी. बोल दे उसको. आई स्टैंड कि ये कौन सा. व्हाई शुड यू टेक योर नेम अगेन एंड अगेन एंड मेक योर मुद्दा आउट ऑफ नथिंग फ्रॉम नोवेयर. इट्स रॉन्ग. मैंने तेरे को बोल दिया. ये तेरे बारे में क्या बोल रही है? सुन, सुनती क्यों है तू ये? आई हैव टोल्ड यू सॉरी. आई दैट सॉरी आई इनवॉल्व यू. आई शुड नॉट हैव. बोल दे. यू फॉरगिव मी. हो गया ना, खत्म हो गया. It's nasty, you know. It's very nasty. What they, these people, the way she's talking. And I'm sorry that. I'm sorry. It's okay. Don't cry. Don't cry. यार रोज इस चीज का मुद्दा बन रहा है. रोज उसको चुप करा तू. मैं यहाँ पे शशि किसी के साथ लव अफेयर नहीं कर रही हूँ. ना मेरी कोई करने की इच्छा है, ना मंशा है, ना मेरा वो गेम प्लान है. और उस आधार पर मैंने सामने वाले के बारे में बोला जब उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली अटैकिंग माई पार्टनर एंड माई रिलेशनशिप विद माई पार्टनर. पायल, मेरे को एक छोटी सी चीज़ कहनी है. प्लीज आप इसको समझो तो ठीक है, ना समझो तो ठीक है. मेरा कहने का फ़र्ज़ है. मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार सब देख रहे हैं. प्लीज़ मेरा टॉपिक इन्वॉल्व मत करो. मेरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है. मुझे इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाना, प्लीज़. अंजलि जी, आप एक बार बोल चुके हैं मुझे आपका और केवी का क्या था पता भी नहीं था. कंगना जी ने बोला इस शो में जो हो रहा है, पब्लिक ओपिनियंस जो आ रही है, exactly. इसके ऊपर मैंने बात करी जब उन्होंने Joru ka gulam शब्द का प्रयोग किया. अब ना मैं उसके ऊपर, आपके ऊपर कभी बात करूंगी. हाँ, इस टॉपिक के ऊपर. हाँ. बिकॉज मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली है वो इन्फॉर्मेशन इस शो में मिली है. बुलिंग इज माई ट्रिगर पॉइंट.
I've been bullied by my sister. I love my sister, but I've been bullied since childhood. Till school, I was bullied. I made myself strong from inside. Andar phir bhi dar lagta hai mere ko. I still get scared sometimes if there is a, you know, a big person or whatever, and aise awaaz karta hai. Mera dil kaampta hai, but mere andar ke dil ko maine bola hai, dar mat. So if you try to bully your thoughts in my head or bully everybody's thoughts, your thoughts in their head, and then tell me I'm a bully, it will trigger me, man. It reminds me of those things where I would never get because my sister used to bully me. मैंने उसकी मेंटेलिटी के बारे में बात की है, मैंने उनके बारे में बात नहीं की. अगर उसको ट्रिगर पॉइंट है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ. आई एम सॉरी, यू नो दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, आई विल नॉट ब्रिंग दैट इन. बिकॉज संग्राम, पता है 12 साल में इतना चेंज हुआ है. आई एम गोना परफॉर्म इन योर वेडिंग, ओके? पायल, बीजे इज, मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं तेरे ट्रिगर पॉइंट था, आई डिड नॉट, एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. आई डोंट नो द पास्ट एंड आई एम सॉरी, ओके? I know you, मैंने बाहर भी बोला, you are a wonderful woman. Genuinely when we talk. वो ऐसी हमारी situations है, हम ऐसे ज़्यादा जानवर बन जाते हैं, हम ये मैंने फिर वो है, वो हीट हो गया. पता नहीं था. ओके, सच मैं बता रहा हूँ, यू द फर्स्ट डे आई ओनली कनेक्टेड विथ यू. यू आर अ फन गर्ल, ओके? यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ अमेजिंग फॉर दिस शो, फॉर लाइफ, एंड दैट इज़ हाउ वन शुड बी. दे हैव टू एक्सेप्ट यू द वे यू एंड दे विल. शादी होगी और नाचेंगे और थैंक यू सो मच करण भाई. इफ इट हैजंट मैरी यू सून, संग्राम जी गलती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. ऐसी वाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी. बिल्कुल. मैंने क्या, मेरी वाइफ भी ऐसी है, सच बताऊँ तो. ओके, खुद का दिमाग है और अड़ती है, मतलब, और मुझे बैलेंस करना पड़ता है मम्मी पापा को और वाइफ को. आई स्वेयर, मॉम डैड आल्सो नो, आई एम टेलिंग यू, इट इज पावरफुल, यू आर स्ट्रांग गर्ल, बट यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर दिस कन्वर्सेशन. ये लड़की आपको इतनी खुश रखेगी लाइफ में. आई कैन फील दैट. इमेजिन, इतनी बड़ी फाइट के बाद मैं बैठा हूं, उसके साथ सॉरी बोल रहा हूं. कैन यू इमेजिन दिस? बिकॉज़ आई नो हर, आई फील फॉर हर, आई अंडरस्टैंड हर. Thank you for understanding. It's okay. You know what? It's in. यार ये साल शादी तो कर लो. अच्छा, ये साल शादी कर लो. मैं तो कह रही हूँ कि लोकअप में ही कर लो. मैं बोल रही हूँ नहीं लोकअप में, नहीं रियलिटी शो में शादी होती है. ये सब हो चुका है. नहीं, उसको ब्रेक करेंगे ना. नहीं नहीं, हमें अच्छे इंटेंशन से हुई, अच्छे इंटेंशन, पर वही मैं चाह रही हूँ कि नजर लग जाती है. नजर लग जाती है. इंटरप्रेट गलत तरीके से हुई, गलत तरीके से हो जाता है. मिसोजिनिस बोलती है, मेल मेल शोमिस्ट क्या बोलती है, तो इस, ये डेरोगेटरी तो, नहीं है? ऑफ कोर्स है. तो इस तरह का बोलेगी तो सुनने की हिम्मत रखना. नहीं नहीं, वो सब मैं बोला, उसके लिए आई एम नॉट टेकिंग बैक. जो उसका ट्रिगर पॉइंट उसकी पास्ट को लेकर था, जो अभी उसके फ्यूचर को लेकर. कुछ भी ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? ट्रिगर पॉइंट तो किसी का कुछ भी होता है. मेरे को बीमार बोल दिया, ट्रिगर पॉइंट हुआ तो. मैंने तो अपने बाप को 10 साल बेड पे देखा है, पैरालिसिस में. तो मैं बोलूँ तो मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है. कुछ बातें हुई यार, मुझे नहीं करनी कोई भी बात. मैं क्या बात करूँ, एवरी टाइम द सेम टॉक, एंड इट्स बीन 12 इयर्स. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई एम जस्ट डन. ही इज़ नॉट माई चॉइस एनी मोर. द मोमेंट आई विल स्टार्ट टॉकिंग ऑल्सो टू हिम इन अ नॉर्मल वे, ही विल स्टार्ट अगैन. दैट्स वॉट ही डज एंड ही इज़ बीन डूइंग. वेर एज आई टोल्ड हिम आई एम डन विथ यू एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई एम रिस्पेक्टिंग यू इज मोर देन एनफ. टेल हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई टोल्ड हिम, यू टोल्ड हिम, एग्जैक्टली, आई एम, यू टोल्ड हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो आई डोंट थिंक ही वुड वांट टू. नो, ही कीप्स ट्राइंग ऑल द टाइम एंड व्हिच इज अनोइंग. देन ऑब्वियसली द डिसरिस्पेक्ट कम्स. हर बार मैंने मौका दिया करण, हर बार मैंने, आई हैव कॉट हिम एवरी टाइम. आई लाइक लिटरली मैंने हर एक झूठ पकड़ा. उसके बाद भी उन 3.5 सालों में मैंने कम से कम 350 बार चांसेस दिए, क्योंकि ही वॉज माई फर्स्ट. एंड ऑब्वियसली यू डोंट जस्ट लेट इट गो लाइक दिस. एंड टू कम आउट ऑफ इट टुक मी 4.5 इयर्स टू मूव ऑन इन माई लाइफ. व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट फॉर यू टू जस्ट से दैट्स इट, आई एम आउट ऑफ इट? सो आई हैड अ स्पा इन लोखंडवाला विद माई पार्टनर्स. ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट. देर वॉज दिस असिस्टेंट मैनेजर हु केम. He only appointed. I got to know about them. And that's where I thought, with my workers, this is now extreme.
एंड दैट्स व्हेन आई सेड अब्बास. आते ही आपने सबसे पहली चीज़ ये बोली, मैं यहाँ अपने बलबूते पे आया हूँ. आप अपने आप को ये मत समझना कि मैं आपकी वजह से आया हूँ. ओके पेरेना, तुम थी कुछ पहले, अब नहीं हो. ऐसे पेरेना, मैंने कभी आपको बताया नहीं, तो आप ही मुझे हमेशा बोलते रहते थे. तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया मुझे छोड़ के, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे साथ रह के. इन अ वे यू सी ना, वो थप्पा जो लग जाता है देन वो कंटिन्यूज फॉर एवर. सो आई हैव बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड आई डोंट क्राई ओवर दैट. I'm a strong woman. I'm standing by myself. Absolutely. And my family. हम लोगों को बाथरूम की सफाई करनी है, हमें अंदर जाना है, हमें सफाई करने के लिए डोर ओपन करो, क्योंकि जेलर ने हमें बोला है कि हमें सारे बाथरूम्स की सफाई करनी है. जो हारने वाली टीम होगी उसको सारे बाथरूम्स क्लीन करने हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी. तो प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द, बोलना पड़ेगा. आयल खुला क्या? हाँ आवाज़ आई किसी की, मुझे भी आई टक टक की आवाज़ पायल. नीचे झुक के ट्राई करो. क्या कमेंट गो 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 आली आली खुद पकड़ो पकड़ो पकड़ो. कम ऑन पायल, लेट्स गो. अंदर कैसे गए? हमें अलाउड है ना अंदर आना? नहीं बिल्कुल नहीं. तो इन्होंने खोला क्यों? उनकी गलती, आ जाओ सोच लो बाबा, उनकी गलती है. डोंट रिएक्ट, उन्होंने खोला ना, ठीक है तो फिर चलो उनकी चाल थी. हारने वाली टीम हैज टू क्लीन ऑल द बाथरूम्स, सो वी आस्क्ड देम, दे ओपनड इट. फिर क्या है? अब इनको मिलेगी पनिशमेंट. और आगे भी नहीं जाना चाहिए. वो लोग देख रहे थे आराम से, कोई बात नहीं, हमारे हमको सिर्फ अंदर जाना था, यूज करना था. हमें बताया था हमने, मैंने पानी डाला, सुसु किया, जो भी किया खत्म करा बात, बस हमने यूज कर लिया. क्या हुआ? जेलर ने खोला. दे आस्क्ड फॉर हिम टू ओपन, द जेलर ओपन फॉर क्लीनिंग. हां दे डिडंट क्लीन, सो इफ दे लाइड टू द जेलर देन दैट्स अ लाई. वो लोग ने क्या किया? वो गई थैली वहां से खोली वोली, निशान आके बोला, लेके गई, इसलिए मैंने मालूम सारा बोला, देख क्या हो रहा है किचन में, क्या चल रहा है. तो इन्होंने एकदम क्लीनिंग का नाटक किया, थैली लेके साइशा को यहाँ पे थैली देने आई, और लोगों ने कैमरे में ये बोला कि एकदम ग्लव्स व्लव्स पहन के कि हमारा वो क्लीनिंग का ड्यूटी है तो खोल दो. इन्होंने खुलवाया, झूठ बोला, अंदर क्लीन नहीं किया उन्होंने, अंदर उन्होंने यूज़ किया. क्लीन कर लेते तो बात बनती, और खुश हो रहे बाहर देखो. इन्हीं चीज़ों पर खुश हो सकते हैं वो, यही करके खुश हो सकते हैं. पागल लोग हैं क्या लोग? कैसा है माहौल अंदर, गर्म है कि ठंडा है कि फुस है? समझ में नहीं आ रहा अभी तो उनको. सुनो पायल, द बेस्ट थिंग नाउ वी विल नॉट एड्रेस देम. जैसे कल हम उनको इग्नोर कर रहे थे, हम उनके झगड़े को इग्नोर कर रहे हैं, हम मीन भी नहीं बिहेव करेंगे, हम उनकी तरह नहीं बिहेव करेंगे. आप लोगों से झूठ बोलकर अंदर आए हैं कि उनको क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग बिल्कुल नहीं की उन्होंने. ये देखो यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे वेट है, और अभी तक बाल वाल इधर घिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं. Everything is dirty. क्या अकलमंदी यूज़ किया कैप्टन ने सच में. एटलीस्ट साफ तो कर देती. रेस्ट कर लें, बिकॉज हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो जाना है. अभी सब ऐसे निकलेंगे, ऐसा नहीं है, ये सोच रहे हैं हम सजा यही, हम सारी सजा हमें काटें और ये मजे लेंगे. इतने शातिर हो ना तुम लोग सच में. बहुत बहुत शातिर हैं ये लोग.
अब तो भुगतना पड़ेगा हमें सच में। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, शाणे हो, शातिर हो, हमको मीन थिंग्स नहीं बोली, हम हारने के, जीतने के बाद दिल बैठ गया होगा, टाइम लगेगा ऊपर आने में। जो हमारी बेइज्जती करते हैं जब वो जीतते हैं, वैसा नहीं कुछ किया, वो नहीं हुआ। इतना गंदा हो रखा है ना वॉशरूम, मतलब कि क्या बताऊं, बदबू आ रही है, तो पाद वादी कोई पता नहीं कितनी स्मेल आ रही है, पॉटी करी हुई है, तो बिल्कुल साफ नहीं किया इन लोगों ने। और आप प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सजा अगर आप देना चाहते हैं हमें तो आप दे ही दिए, हम तो बर्तन तो एक घंटे से बर्तन एक हफ्ते से बर्तन साफ तो कर ही रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी आप हमें सजा देना चाहते हैं तो प्लीज आप देख लीजिए, और जेलर से झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। कैसा है अली? हरे रंग में क्यों है? मुझे अभी तक पता ही नहीं, कहीं का हिस्सा नहीं है ना अभी तक। हाँ, कहीं का हिस्सा नहीं है ना अभी, बिल्कुल सब ऊपर नीचे हो गया यार। हाँ, ब्लॉक के मेंबर्स इधर उधर हो गए, सफल हो गए। और भाई देसी टूपाक क्या चल रहा है तेरा? आलीशान अभी ठीक है? बढ़िया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? गुड बैड अगली? अगली से ही कर दो, कल के टास्क। गुड से जाएंगे जाएंगे। बबीता जी जी, आप अनशन पे चली गई जी, क्या हुआ? बस यही लग रहा था कि क्योंकि उन वो टीम ने हमारे से पहले किया भी होगा, तो उन लोगों ने हैंड्स अप करके ही नहीं, कि हमारा पूरा हो गया था किस आधार पे, बस हम ये जानना चाहते थे कि अगर वो जीते हैं तो हमें बस ये पता हो कि ये इस बिहाव पे वो जीते हैं, और हम जीत उस उनकी एक्सेप्ट और हमारी हार एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है बबीता जी, एक्चुअली एक ऐसा इंसिडेंट पहले भी हुआ था जी, जब आपको जजमेंट डे पे वीडियो दिखाई गई थी, करेक्ट? लेट मी बी वेरी क्लियर, हमें ये करने की जरूरत नहीं है जी, पर फिर भी हमने किया जी, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जी। इसके बाद आपको क्वीन ने भी कहा था, कंगना ने, कि ये नहीं होगा दोबारा, बिल्कुल बोला था जी, करेक्ट जी। आप कितने लोग हैं यहाँ पर? 12 लोग। आप लोगों को कितने लोग देख रहे हैं? मैं पिछली बार कुछ आइडियाज देके गया था, 20 मिलियन बोला था आपने, तो उससे कुछ 3-4 गुना बढ़ चुका है वो, बूम बांग, ज्यादा नहीं 3-4 गुना बढ़ चुका है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, आप एक रियलिटी शो में हो जी, हां, कुछ लोग आपको आके बहकाते हैं, ठीक है? तो जैसे कि अब जो भी आपका डिसीजन था, जो भी आपने, जो भी उस दिन रिजल्ट आया था, वो भी सबने देखा है पूरे हिंदुस्तान ने, और तो जिसने आपको बहकाया था वो भी सबने देख लिया, राइट? वायल, मैंने कैसे बहकाया? कौन से पेज? मैंने कैसे बहकाया? मैं तो सामने से कह रही थी कि मैं चार्ज करती गई, मैंने कहां से बहकाया? मैंने नहीं बोला कि क्लेम का और ये सब का, मैं आता ही इसलिए हूं। हां हां हां। तो बबीता जी, मैंने एक चीज बोली थी सबको कि यहां पर जो आप करते हो वो आपकी चॉइस है जी, जी, करेक्ट? आपको जो करना है वो ही दिखना है, ओके? हम नहीं बोलेंगे। तो अगर मैं आपको आगे बोलूं ना कि देखो बबीता जी, आप जो कर रहे हो ना वो गलत है, मैं आपके साथ हूं पर शायद नहीं हूं, आप समझ रहे हो जी, दुनिया भी समझ रही है, मैंने उनको बहकाया नहीं है, पायल, उनका एक डिसीजन है पायल। हाँ, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो ये मेरी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज नहीं है, मुझे जस्टिफाई मत करो। मैं जस्टिफाई इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप जेल में आए हैं, आप दोस्त हैं उनकी, मैं अच्छी दोस्त बनने का बहुत कोशिश कर रही हूँ। आपको जो करना आप वो करो, ओके? पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन है, फेयर इनफ, सो पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन है, एब्सोल्युटली, मैं भी वही बोल रहा हूँ। बबीता जी, एक चीज होती है पायल आपके लिए भी, कि दोस्ती की या तो मिसाल बनती है जी, या फिर टैग लगते हैं। नहीं देखिए, अभी ये आपके ऊपर है, कौन सा भी टैग लगे, मेरे को पता है मेरा कॉन्शियंस क्या है, मेरे को पता है मेरे इंटेंशन। आइडियली मैं उनको बताने आया था, आप उनको बताने आए, मगर आपने एक फूट डाल दी है, आप समझ रहे हैं, आप उनको बताने आए मगर आपने एक फूट डाली है, व्हिच इज फेयर एनफ। मुझे यहाँ पे किसी के साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली फाइन पायल, आप अंदर हैं, आपको लग रहा है जो कुछ भी, डजंट मैटर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग अच्छी है तो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं होगी, मैं उन पे बिलीव करती हूँ, वो मुझ पे बिलीव करते हैं, तो वो अपने आप आ जाएगा, हमें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रिश्ता अपने आप जुड़ता है, वो विश्वास पे जुड़ता है। वो अब आप देखिए, आप जिस तरह से आप बोल रही हैं जी, और जिस तरह से पायल अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें फर्क है।
राइट वो हमें और ये चीजें आता है तो इसीलिए मैं और कमिंग बैक टू पायल पायल कोई भी नैरेटिव्स बाहर नहीं जाते हैं परफेक्टली फाइन ओके आई हैव बीन थ्रू दिस वेयर आई हैव थॉट कि यार मेरे अगेंस्ट ये नैरेटिव जा रहा है अगेंस्ट आप जब बाहर जाएंगी तो आपको रियलाइज होगा कोई नैरेटिव नहीं जाता है सिर्फ फुटेज जाती है परफेक्ट कुछ नहीं होता है ये अगर आपको लगता है ना कि कुछ एडिट करके कोई नैरेटिव जाते हैं आई एग्री टू डू द शो मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं ओके मैं आपको सिर्फ बताने आता हूं जी एक वॉइस बनके किसके लिए पायल मेरे भले के लिए थैंक यू हम सब के भले के लिए यस बट दिस इज परफेक्टली डायरेक्टेड टू मी सो आई अप्रिशिएट व्हेन हैव आई नॉट डायरेक्टली डायरेक्टेड जब मैं करणवीर से बात कर रहा था मैंने डायरेक्टली बात की थी जब मैंने साइशा और निशा से बात की मैंने डायरेक्टली बात की जब मैंने मुनावर से बात की है सारा से बात की है I have always directly spoken because I have a connection with you guys. Yes. yes. आपको दोस्ती निभानी है निभाओ जितनी मुश्किलें आएंगी दोस्ती में या तो दोस्ती बढ़ेगी या दोस्ती खत्म हो जाएगी ये आपके ऊपर है करेक्ट तो जी. आपको किसके लिए खेलना है खुद के लिए अभी भी बाद में भी हमेशा ठीक है तो खुद के लिए खेलिए ओके लेफ्ट ब्लॉक प्राइवेट बाथरूम मिल ही गया आखिरकार करण आप तो बहुत खुश होंगे जेलर की गलती है देखो ये गलत बात है झूठे से फरेब करके ये लोग माइक पे बोल कैमरे पे बोल के जेलर खोल दो हम सफाई करने जा रहे हैं वॉशरूम की आ रहे जेलर साहब आपको प्लीज बोलिए अब हमको बोला गया कि हम वो जो बाथरूम इनको दिया गया है उसका यूसेज करेंगे तो दोनों टीम को यू नो सजा मिलेगी हमने एज अ टीम डिसाइड किया कि हम चाहते हैं कि दोनों टीम को सजा मिले बट आप ही बोल रही थी ना कि ये बहुत अनएथिकल किया करण ने जो भी किया यस 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 देखिए एग्जीक्यूटेड द टास्क बाय क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अली एंड शिवम एंड निशा एंड अंजलि दैट वाज अ टास्क गिवन टू हिम मगर हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हमको वो जो ये जो गोबर उपला वाला टास्क था उसमें वी वर स्टिकिंग टू व्हाट बबीता जी वाज सेइंग एंड हमको फुटेज नहीं दिखाई गई तो वी हैड अ माइंडसेट तो हमको जब जेलर साहब ने बोला कि अगर हमारी टीम जाके बाथरूम को यूज करेगी तो दोनों टीम को पनिशमेंट मिलेगी सो एज अ टीम वी डिसाइडेड वी विल डू दैट मैं भी वही पूछ रहा हूं बट इन्होंने सबसे बड़ी गलती की साथ में यू हैव टू क्लीन ऑल द बाथरूम इन्होंने झूठ बोल के जेलर को बोला कि मुझे अंदर जाने दो सफाई करने आई नो या और सफाई भी नहीं की हाँ, नहीं की सफाई तो कर लेते नहीं की नहीं की फिर आप लोगों को भी तो कहा गया था ना कि आपको अपना प्राइवेट बाथरूम जो है प्रोटेक्ट करना है वी वर प्रोटेक्टिंग बट झूठ बोल के अंदर जाए झूठ बोल के क्या कर सकते हैं हमने सीधा बोला कि हम एक टास्क कर रहे हैं कैन आई से समथिंग खेल गई लड़की अरे लेकिन सफाई भी कहां की जेलर हमने कहा था यूज नहीं करना उन्हें वो उन्होंने बोला कि हम साफ करने जा रहे हैं तो हमने बोल दिया था ना कि साफ मत करो मत करना, तो रोको पर मजा बहुत आया मजा आया मुझे बहुत मजा आया जब ये लड़कियां अंदर घुसी है ना वो अपना लेके कि खोलो हम साफ करने आई न्यू इट हम तालियां बजा रहे थे आप लोगों के लिए जी 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 थैंक यू लेकिन मेरे हिसाब से करणवीर ने बहुत अच्छी गेम खेली मेरे हिसाब से इन लड़कियों ने भी बहुत अच्छा किया बट सजा दोनों ब्लॉक्स को मिलेगी सजा तो दोनों ब्लॉक्स को मिलेगी आगे बढ़ते तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो किसी ने हैंग करवा दिया किसका क्या 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 मैडम क्या क्या मैडम आपको एक कैरेक्टर दिया था क्या हुआ जितनी सीटियां जितनी तालियां मार सकते हैं मार लीजिए हमारे कमेंट सेक्शन की जो आपने रेस्ट इन पीस करवाई है मैं बस ये कहूंगा कि जो कैरेक्टर आपको दिया गया था वो आपने बहुत खूबी से तो नहीं बहुत ज्यादा ही खूबी से निभा दिया ठीक है तो जब भी आप अच्छा करेंगे हम आपको बताएंगे आके थैंक यू तो जिस्ट ये है कि टास्क दिया गया था बहुत अच्छे से परफॉर्म किया थैंक यू करण आपने जो है इन अपने ब्लॉक को प्राइवेट बाथरूम दिलाया आई वुड से जिताया यस कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट बाबा एक नंबर जहर बोल दिया आगे बढ़े भाई कौन है तू कहाँ गया वो शेर यू नो आई नो यू सिंस व्हेन वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू नो हाउ लॉन्ग आफ्टर हैव यू कम बैक ऑन स्क्रीन हम नहीं पहचान रहे इस बंदे को क्या हुआ नहीं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ पहले सब लोगों को धीरे धीरे हाउ लॉन्ग आफ्टर कितने साल का गैप ले चुके हो आप यहाँ पे वापस से दस बारह साल हमें वो वाला अली याद है अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये वो वाला अली है या ये कोई नया अली है
आप कल स्मोकिंग रूम के पास कुछ आप इमोशनल हो गए थे, आंसू वहां से टपक गए थे, क्या हुआ? वो एक्चुअली वो सारी जो चीज़ें हुई थी, इट वॉज अ लिटिल हैवी. मैं बहुत सोच के आया था कि मैं बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहूँगा और हो भी गया. क्योंकि इतने सारे चीज़ें, इतने सारे साल हो गए, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं तो इंसान अपने आप हो ही जाता है. पर ये सडनली ऐसी चीज़ें आ गई, सो देन इट स्टार्टेड सिंकिंग इन की यू नो दिस इज़ एक्चुअली अ गेम, दिस इज़ एक्चुअली अ टास्क. इट इज़. एंड फिर मैं समझ रहा था कि यार ये कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है. सो आई एम ऑब्वियसली टेकिंग इट वेरी वेरी पॉजिटिवली. क्या लगता है कि जो करण ने किया वो सही था या गलत था? टास्क था इसलिए सही था. आप अगर उसकी जगह पर होते आप क्या करते? मैं भी शायद वही करता. सिंपल. इज दिस अ पीआर स्टंट फॉर यू? नॉट एट ऑल. आर यू श्योर? 100%. ये रिडेम्पशन गेम तो नहीं चल रही? मैं बिलीव करता हूँ रिडेम्पशन में बहुत ज्यादा. वो रिडेम्पशन अलग है. रिडेम्पशन के दो मीनिंग्स होते हैं ना. जो रिडेम्पशन जिस रास्ते में 4-5 साल से चल रहा हूँ वो है कि आप सही चीज़ों और अपनी पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट करो. जो जो गलतियाँ कर ली कर ली, हो गया. ये अली नहीं है भाई. एंड आई एम सेइंग दिस टू यू एज अ फ्रेंड. ओके, दिस इज नॉट द अली दैट आई नो. आई वाज एक्साइटेड कि अली आ रहा है, क्या होगा पता नहीं चलेगा, फाड़ देगा. अली ना मेरे को अली बाबा लग रहा है. इट्स अप टू यू मैन. पॉइंट. ओके, एंड एवरीबडी हियर नो इज फायर. और तू आग लगाने आया या आग बुझाने आया है? क्योंकि ये नहीं बुझने वाले. निशा जी, आपने जो किया आप उसके बारे में बताना चाहते हैं? अबाउट द बाथरूम थिंग, आई थिंक दैट वाज माय वर्जन ऑफ बीइंग बैडएस. आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज मुझे अंदर ही अंदर आई थिंक एज अ टीम आल्सो ये डिस्कस्ड स्ट्रेटजी थी और हम बहुत क्यूमुलेटिवली खुश हैं इस डिसीजन से. नो रिग्रेट्स एट ऑल बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं हमें लगा दिस वॉज आर वे ऑफ फाइंडिंग जस्टिस. इट्स ओके वी बिलीव द जेलर. ठीक है, आपने जो भी कुछ किया, फैसला लिया, उसके बाद हमें लगता है कि देर इज़ अ नोटोरियस स्ट्रीक इन द अदर टीम दैट टीजेज अस, दैट डज नॉट टेक इट स्पोर्टिंगली, यू नो. तो वो पार्ट के लिए हमारे अंदर एक अजीब सा रिवेंज फ्रस्ट्रेटेड. आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट. ये रियल निशा है जी. दिस इज यू जी. ओके, द स्माइलिंग नोटोरियस निशा. ओके, तो फिर अब हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक लेफ्ट ब्लॉक है, एक राइट ब्लॉक है, और दो लोग हैं मेरे बिल्कुल सामने जो कहीं के नहीं है. वेयर डू यू वांट टू गो अंजलि? ऑरेंज. यस यस यस. अली, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ऑरेंज. ऑरेंज. ऑरेंज अली. ऑरेंज अली. यस यस यस. गिव अस मोर. यस. गिव अस मोर. गिव अस मोर. गिव अस मोर. इट्स देयर चॉइस. यस, इट्स देयर चॉइस. देखो दोनों तो नहीं आएंगे. अरे यार, दे दोनों प्लीज. अंजलि, क्यों जाना चाहती हैं आप ऑरेंज ब्लॉक? जब वहां पर चूज हो रहे थे, एक एक करके चूज किया, लास्ट में मैं और सारा बचे. तो करण ने एक बात बोली थी, अंजलि को मैं लेना नहीं चाहता. वो यहाँ पे रिमाइंड है. दैट्स ऑल. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता तो मैं सोच रहा होता कि मेरा आगे बढ़ने का चांस कहाँ रहने से होता है. Absolutely. आप क्या सोच रही हैं कि इसको जवाब देना है, इसको जवाब देना है? नहीं, इसको इसको जवाब देना है. डू यू अंडरस्टैंड? मैंने अभी इतनी देर इतना लंबा डिस्कशन किया इन बबीता जी के साथ, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. She knows that she will shine with us. She does. She does, but she did not mention your names. Saisha, Nisha, आपका नाम नहीं लिया उसने. उसने क्या बोला है मालूम? क्योंकि उसको करण को दिखाना है, उसको शिवम को दिखाना है. खेल रहे हैं लौंडे. नहीं, शिवम को कुछ नहीं दिखाना है. चलो, किसी को नहीं दिखाना है. ये भी जो आप बोल रही है ना, ये भी हम समझ रहे हैं आप क्यों बोल रही है. मैं यहाँ से आता हूँ यार, आप भूल के जाते हो. सो चूज wisely. I think जब से मैं आया हूँ, they are very welcoming. Welcoming in terms of के आ जाओ हमारी टीम में, आ जाओ मैं हमारी. ये welcoming है? अरे they once. What do you mean? Of course. नहीं, they have been. Of course they have. They have been. Very sweet. And I think मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये लोग जीत रहे हैं ज़्यादा या ये लोग कम जीत रहे हैं. You know, मैं वो देख रहा हूँ कि कौन ज्यादा वेलकमिंग है. हार जीत तो देखेंगे आगे, टास्क होगी. यार भाई, हमसे ज्यादा वेलकमिंग कौन होगा हमारे ब्लॉक में? कौन ज्यादा जीत रहा है और कौन ज्यादा हार रहा है, मैं उस पर नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि किसकी टीम में. लेकिन इस शो से बाहर कौन जाता है वो भी उस पर डिसाइड नहीं होता.
जनता जनार्दन, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं, हो सकता है कि बाहर कोई एक इंडिविजुअल जीत रहा हो और कोई एक इंडिविजुअल हार रहा हो। बिल्कुल। लेफ्ट ब्लॉक आपको क्या लगता है, क्या कौन आपकी टीम में आना चाहिए अगर कोई एक हो तो? अंजलि आई थिंक। तो आपने देख लिया कि आप लोगों को कितना कौन कौन चाहता है अपने अपनी टीम में, अपने अपने ब्लॉक में, राइट? तो अंजलि आ जाए यार, एक काम करते हैं कि इतनी इतनी डिमांड है तेरी, तो सीधा इसको जिता ही देते हैं ना शो, है ना? क्या बोल, तो खत्म करें? मैंने तो एग्री बोला था कि इसको फर्स्ट विनर बना दो, मैंने तो एग्री का वो किया था। तेरे को नहीं जीतना ना शो? मैं अगर पहुंच जाऊं, फाइनलिस्ट बन जाऊं, फिर सोचूंगी, अगर, क्योंकि पता नहीं ना कुछ। भाई मैंने जो किया है मैंने सोच समझ के किया है, क्योंकि कोई कभी आप कुछ बात कर रहे होते हैं वो उनको नहीं पता, सायशा कुछ बोल रही होती है वो करण को नहीं पता, मुझे तो सब पता है। तो मेरे हिसाब से शी बिलोंग्स हियर एंड अली बिलोंग्स हियर, इट इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू, ओके? और यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो आप लोग सब तैयार हो जाइए क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। ओह गॉड, इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट प्लेस, अत्याचारी अरीना। मुनावर भाई तेरी तबीयत खराब है, ठीक है? आइडियली मैं नहीं चाहता कि तू आज ये जो हमारा अत्याचारी अरीना का जो स्ट्रेस है वहां का, मैं आना चाहूंगा, पर तू खेलेगा। आई एम सॉरी बट मैं आना चाहूंगा। मेरे हिसाब से यू शुड स्टे हियर, आई नो बट रेस्ट। हाँ बट मैं आना चाहता हूँ। तू आएगा मैं तेको खेलने नहीं दूंगा, ठीक है? ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए क्विकली। थैंक यू अंजलि, कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? I'm glad. Whatever it was, मैं forcefully किया। वही कह रहा था, वो सेम गलती मत कर। मैं गुस्से में था, तू गुस्से में। Okay? नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस थोड़ा सा। I know. We'll make a fantastic team. Okay? Yeah, done. We are very happy that you're on. Very happy. And I'm again sorry for being so rude. Yeah, it's okay. ठीक है? Let's play the game. Let's play the game again. All of us, all the best. All the yes, best. All the best. All the best. Lego, Lego, Lego. अपने अपने मास्क उतार सकते हैं। लॉकअप के अत्याचारी अरेना में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। तो आज के आपके अत्याचारी खेल का नाम है पंचनामा। 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 प्यार का नहीं होगा बस।
ये लॉकअप का पंच नंबर जी। सो क्योंकि इस ब्लॉक में से मुनव्वर नहीं खेल रहा है तो इस ब्लॉक में से भी आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई एक कैदी आज का हमारा ये अत्याचारी खेल नहीं खेल सकता। मैं खेल सकता हूँ क्या? आई वुड प्रेफर कि आप लोग पहले सुन लें कि आज का हमारा खेल क्या है। सुनने दो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप में से कौन नहीं खेलेगा। ठीक है, व्हेनेवर यू कैन कम एंड ऑलराइट गाइस, बहुत सिंपल सा खेल है। आज के खेल में तीन राउंड्स होंगे। खेलने वाले सभी कैदियों को एक एक करके या ग्रुप में इन प्लेटफॉर्म्स पे खड़ा होना पड़ेगा अपने अपने ब्लॉक के कलर्स के हिसाब से। ये पंचेज हैं, ये मूव होते हैं। ऑलराइट, आपको सिर्फ धक्का मारना है, आपको कुछ भी पकड़ना नहीं है। ऑलराइट, आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि आपके ऑपोजिट ब्लॉक में से कोई भी दो कैदी हर राउंड में नीचे गिर जाए। आप उनको देख नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी सूझबूझ लगा के प्लानिंग करके ऑपोजिट टीम में से दो लोगों को गिराना है। पहले राउंड में दोनों तरफ पांच कैदी होंगे, दूसरे राउंड में चार कैदी होंगे और तीसरे राउंड में सिर्फ दो कैदी होंगे। पहले राउंड में आपको मिलेंगे दो पॉइंट्स, दूसरे राउंड में आपको मिलेंगे तीन पॉइंट्स और आखिरी राउंड जो कि एक डिसाइडिंग राउंड हो सकता है और जिसमें सिर्फ दो कैदी जाएंगे फ्रॉम ईच ब्लॉक, उसमें आपको मिलेंगे पांच पॉइंट्स। जो पहले राउंड में कैदी बाहर जाएगा अभी आप लोगों में से, वो कैदी दोबारा नहीं आ सकता इस खेल में। साशी बाहर बैठेंगी क्योंकि उनके नी में प्रॉब्लम है। साशी आप नहीं खेल रही हैं? नहीं, आई हैव इंजर्ड माय नी एंड आई डोंट वांट टू मेक इट वर्स। हमने वैसे आपको प्रोटेक्टिव गियर दिया है, लेकिन अगर आपका ये डिसीजन है, गुड, योर चॉइस, यू कैन टेक अ सीट। ऑलराइट, ब्लॉक्स रेडी, लेट्स गो। कम ऑन ऑरेंज, कम ऑन, लेट्स डू दिस, लेट्स गो। आज तो पूरा अरेना हिला देंगे, पूरा अरेना हिला देंगे। कैदियों, एट एनी गिवन पॉइंट आपके पैर यानी कि आपके फीट, शूज कैन नॉट बी ऑफ द प्लेटफॉर्म, हैज टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म। ये किसका पैर है? ये लोग नरीमन पॉइंट पर बैठा ना, ऐसा बैठे थे। यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, फीट हैव टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म, आपके जूते, आपके पैर हैव टू बी प्लांटेड ऑन द प्लेटफॉर्म। गाइज रिमेंबर, जब आपको मेरी विसिल की आवाज आएगी, इसका मतलब कि किसी एक साइड से दो कैदी गिर चुके हैं। चलो अभी तो मुर्गे बनने ले। गाइज, डू यू वांट टू लिसन टू मी और डू यू नॉट वांट टू लिसन टू मी? एक्चुअली दिस नोबडी कैन सिट, एवरीबॉडी स्टैंड्स, एवरीबॉडी स्टैंड, stand right now. Yes. Now if anybody squats, that caddy is off the platform, okay? Yes, sir. And next time don't f*** with me. First whistle, round starts. Second whistle, you guys stop. You understand? Yes, do not squat or bend. निशा, आपने अपना सेफ्टी गार्ड क्यों निकाल दिया है? क्योंकि आई कांट, इट्स रियली, देन डोंट, आउट, आउट, आई वांट टू प्ले, आई डोंट केयर, पुट द गार्ड ऑन, ओके, आई विल वेयर इट अगेन। आर वी रेडी? थ्री टू, Yeah!
वन पायल और अली अपने अपने नीचे गिर चुके हैं और लेफ्ट ब्लॉक आप लोग जीते हैं 2 points. राइट ब्लॉक बेटर लक इन द नेक्स्ट राउंड. अब आपके सेकेंड राउंड में कैदी कम हो जाएंगे, सिर्फ 4. तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि वो कौन से 4 होंगे जो ये खेल खेलेंगे इस राउंड में. चलो लीडर ऑफ है. ऑलराइट लेफ्ट ब्लॉक यू आर लीडिंग विद 2 points. राउंड 2 इज अबाउट टू बिगिन. आर यू गाइस रेडी? इन 3, 2. निकाल दे सेट, निकाल दे ये वाला, निकाल दे सर. निकाल दे. एक साथ पुल करके रखा. Be very very careful. आराम से. All right, everybody off. Yes. All right, guys. आपके आपके जोश को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ चेंजेस किए हैं ऑन द फ्लाई. सो अब सायशा और मुनव्वर के अलावा आप सब ये आखिरी राउंड एक साथ खेलेंगे. इसके पहले जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं अभी के अभी खारिज करता हूं. अब यस इट इज. आप सबके सब अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हो जाइए प्लीज. Alright, so there is a slight change. एक छोटा सा change है on how you are going to win this round. पहले मैंने आपको कहा था कि आप दोनों teams में से या दोनों blocks में से अगर कोई दो लोग नीचे गिर जाते हैं तो opposite block वो round जीत जाएगा. ये एक round होगा. इस बार आपके हाथों में मैं एक एक balloon दूंगा. Simple as that. जिसके भी हाथ में से बलून गिर गया वो कैदी उस राउंड से बाहर होता है. गाइस प्लीज फेस, हाथों में होना चाहिए, प्लीज फेस द वॉल. पकड़िए. यस यू हैव टू गो होल्ड द बलून विद बोथ द हैंड्स. यस बोथ द. Guys, ready? Ready, sir. Yes, sir. In 3, 2. Oi, leg nahi, no knee. Oi, no knee. Babita ji, no knee. Make sure. Ali, head se. Don't use your knees. Babita, head se. Yes. बस अभी पीछे रहो, तुझे आ गया. पीछे रहो. क्योंकि आपने अपना नी इस्तेमाल किया. आ जाइए, आपको बोला नी से मत करो, इसीलिए बबीता आउट हो गई क्योंकि वो नी से नहीं करना है. सर से करो. अबे सिद्धार्थ पानी पिलाओ. अबे सो गया क्या? अरे
अली को पानी पिलाओ। सो गया क्या? यहाँ भी सो गया भाई। पानी पिलाओ। पूरा दिन सोता रहता, खाता है, पीता है, सोता है। जल्दी उठ, मार ना। क्या हो गया? बड़ा बोलता है मैं बॉक्सर हूँ, बॉक्सर हूँ, ये है वो, फलाना ढमकाना, मैं थक जाता हूँ। अब कर, अरे वर्बल तो उसको चला तो सकता हूँ, उकसा तो सकता हूँ। खत्म खत्म सिद्धार्थ ऑफ। आ जाइए आ जाइए, एकदम शांति, वहाँ पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। आ जाइए एकदम शांति, राउंड खत्म हो गया। चलिए आ जाइए आराम से, आराम से। ये कह रहा है सिंगल होने का मौका। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स अ गेम। सो थैंक यू टीम ब्लू। आप लोगों में से किसी ने सिद्धार्थ को देखा कि अभी उसने क्या किया? क्या किया सिद्धार्थ ने? राइट। और किसी ने देखा सिद्धार्थ ने क्या किया? आपने देखा क्या किया सिद्धार्थ ने? हाथ लगाया। ऑलराइट, डू यू वांट मी टू गो चेक द कैमरास? आई नो आई यूज माय हैंड, आई डिडंट नो दैट आई कांट यूज माय हैंड। I didn't know that. What part of? Oh, how many guys? So I was holding the balloon. I was holding the balloon. आपके हाथ में balloon था, आपने एक हाथ से balloon को पकड़ा जो कि impossible है, और आपने हाथ से उसको push किया। ये रुक जा ये ना सब push किया। जो हमारा left block है, वो आज के इस खेल को जीतता है। Congratulations, guys. तो एज आप लोगों ने आइडिया तो लगा लिया होगा कि लेफ्ट ब्लॉक में से किसी एक कैदी को मौका मिलेगा जोलघर में जाने का। इसके अलावा इस खेल के परिणाम क्या होंगे वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगे। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि प्राइवेट बाथरूम को इस्तेमाल करने के जो आसपास रूल्स थे उसकी एक सज़ा है जो कि सबको यानी कि हर कैदी को उठानी पड़ेगी। वो सज़ा क्या है और उस चीज़ का परिणाम क्या है ये अभी आपको जेल में जाके पता चल जाएगा। जस्ट सेइंग डोंट हेट अस टू मच। And we are back. To the hell hole. Guys, Team Orange. Rocks. Good work. Woo, good job. Good job. Good job. Good job. It's okay. It happens. Yeah. It happens. Good job. It happens. Good job, Babita ji. Abhi humko hamara Hindi figure out karna padega. Hindi figure out karna padega. Good job. Good job. Oh my. Feel aa gayi hai. Everything is. Bed gaye. सबके गए, बैठ गए, सबके बिस्तर गए। और करो, सब आ गए चटाई पे। अब सबकी हड्डियां टेढ़ी होंगी। अगला था मैं पागल था, सो रहा था 2 महीने से, 25 दिन से चटाई में सो रहा हूँ मैं। हड्डियां टेढ़ी हो गई मेरी। अब देखो, अब सब चटाई में सोएंगे। बेड मत ले क्यों? Yes.
बताओ जो बंदे भाई यहाँ भी सो रहे हैं वो टास्क में भी सो गए जाके। मैं तो कह ही रहा था आपको क्यों क्या बना रखा है आपने यार। इंटरेस्टिंग ट्रॉफी तो इनके बुरा मान जाएगा फिर वो, बट अब्बा हुजूर तो ट्रॉफी लेके जाएंगे बूम्बा हम। भाई ये क्या हो गया? ओह शिट, क्यों नॉट हो गया ये? मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख लिया मैंने? ओ सारे चटाई पे आ गए। वाह यू नॉट वाह क्या बात है, बड़े ताव से खेल रहे थे। ये बेड वो बेड मेरा है, अब सो सारे चटाई पे। मैं पागल अकेला चटाई में सो रहा था बार बार, अब सो चटाई पे। मैं अपने नए मुझे तीन ही दिन तो बैट में रहते, वैसे भी मैं जमीन में थी फिर जमीन पे आ गई। सॉलिटरी में 12 लोग अंदर। सर रियली हैप्पी कि दिस इज द वन, बट वाओ यार अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। ओ मैडम कह रही नए मेंबर को गद्दा दूंगी, ले आओ गद्दा, तुम्हारे खुद के गद्दे गए। सबकी बजेगी और सबकी बज गई, सब अब एक लेवल पे बात करेंगे। टीम ऑरेंज डे अभी बस बजना चालू। देखो हम तो रेडी हैं, बजना चालू बजना चालू। अंजलि जी खुश तो बहुत हो रही होगी तुम। देखो अंजलि हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड ही थे। अच्छी बात है अंजलि, अच्छी बात है, हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि सिर्फ ये हुआ, कुछ वर्स भी हो सकता था, तो हम बहुत खुश हैं। हम तो मेंटली तैयार होके हम तो सॉलिटरी के लिए रेडी थे, हम तो सॉलिटरी के लिए मेंटली रेडी थे, तो हमारे लिए वैसे ही ज्यादा कंफर्टेबल तो है, जीत लेंगे। पर यहाँ तक तो हम साथ में ही थे अंजलि, दोबारा ले लेंगे अंजलि, यहाँ तक तो हम साथ में ही थे। डाउन टू अर्थ फीलिंग। यस ग्रेट, अभी चुआ मीटिंग भी बेटर हो पाएगी। बेड तो सुनो ना पायल जी, बेड तो घर पर भी है। एग्जैक्टली, फर्क क्या फिर, फर्क क्या। अब अगर तुम्हारे पास आएगा तो तुम दे देना, फिर तब ये डायलॉग याद दिलाओ। जीतना और सर्वाइव करना डिफरेंट थिंग है, हमने जीते थे है ना, जीत की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। करेक्ट है ना, ये चलेगा, पर अगर टास्क आएगा बेड जीतने का तो करेंगे, ऐसे थोड़ी। किसको बोलना, मैं सबकी सुनने को तैयार हूँ, जिसको बोलना थोड़ा नॉर्मल कर लेते, अभी कोई है भी नहीं, हम यहाँ बैठ के बात करें थोड़ा, फिर वो सिस्टम से निकल जाएगा, आराम से बात करेंगे। सबसे पहले वो साइड में है ना स्ट्रक्चर था, एक इंसान जो बोल रहा था बाकी सब सुन रहे थे। हमारे पे ये हो रहा था, उन लोग यहाँ पे लिटरली ऐसे थे, इट वाज दैट स्ट्रक्चर, सिंक्रोनाइजेशन था और प्लान्ड, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था, जो बताया जा रहा था वही हो रहा था। तू कैसे गिरी? आई टेल यू व्हाट आई वाज, एक मिनट, आई टेल यू, हां मैं परफेक्टली खड़ी थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने अपनी पोजीशनिंग भी ले ली थी, तो तू डिफेंसिव में ही थी। मैंने देख लिया था कि वो कहाँ तक आ रहा है, पहले मैं नीचे बैठी थी, फिर जैसे केवी और मुन्ना का जो भी हुआ, फिर करण कुंद्रा ने बोला, मैं खड़ी हो गई, मैं खड़ी थी ऐसे। अब द होल जोन वाज कि वो जो एक आया वो मेरी आंख के इधर आया, तो बिकॉज आई एम एन एक्टर, मेरे को थोड़ा Obviously. वो जोन था कि मैं निकल जाऊं, तो बट ये मुझे पकड़ रहा था और ये भी गिर गया, ये गिर गया, ये हुआ। हाँ, इसलिए मैं बोल रही थी ग्रुप में मत रहो, क्योंकि एक गिर जाएगा तो उसके साथ तीन गिर जाएंगे। उधर भी क्या हो रहा था, वो लोग सब इंडिविजुअली थे, मैं वही बोल रही हूँ, उधर बस एक ये था कि अगर किसी ने कुछ डिसाइड किया है तो वही रूल फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा इंटरलॉकिंग या एक दूसरे को सपोर्ट करना वो गलत था। मुझे ये बोलना है कि आज हमारी हार नहीं हुई है, आई एम सॉरी टू से, बट एज अ टीम वी हैव फेल्ड बिकॉज हमने इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नहीं सुने। आधी हार उनकी डर की वजह से होती है, पता है? वही तो चाहिए। हम लोग अंदर हम लोग चार्ज होते हैं, वी लिटरली वी साइक अस सेल्फ, हम लोग साइक करते हैं अपने आप को। मैन हां वही चाहिए, इनको खौफ नहीं रखो, चिल रहने देगा, हम लोगों की मजा आएगी। मेरे को चार्ज शीट में डाल सकते हो? अरे मेरे को डाल दिया,
मैं बोलूँ अभी सीधा Okay, so we have already made a decision. Okay, it's a team decision that मैं करणवीर झोल घर में जा रहा हूँ एंड आई एम रेडी जो बैंड बजने वाली है और जो खुशी भी मिलने वाली है सिद्धार्थ अभी इस वॉशरूम में गया था क्योंकि लेडीज वाले में बोला तो हुआ है ये पुरुष वाले में तो इन्होंने यहाँ पे क्योंकि मैं आई तो मैंने गेट देखा कि यहाँ पे सुसु किया हुआ था नीचे तो ये तो गलत है ना मैंने क्योंकि मैंने सोची कि शायद कोई नहीं है मैंने देखा ये सुसु है तो मेरे को फिर लगा कि कोई है अंदर और गेट खोला तो सिद्धार्थ ही अंदर था छोड़ कोई ना अभी देख तू उस टीम में है ना तो अगर वो लोग कुछ बोलते भी है ना तो उसको दिल पे मत ले लेट गो कर साथ में मिलके खेलेगा ना तो अच्छा अभी फिर क्या होगा वो लोग कुछ बोलेंगे तेरे को बुरा लगेगा तू अपने दिमाग में कोई तेरी टीम में से कोई भी एक इंसान से भी तू अगर नफरत करेगा ना तो फिर जब टास्क होगा नफरत नहीं नफरत मुझे लगता है या तो उसकी मेंटलिटी है कुछ ऐसा सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं है कुछ प्रॉब्लम है और मगर बिकॉज वो हमारी टीम का है मैं और उसमें स्ट्रेंथ है तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स को अभी एड्रेस नहीं करना और मैं उसको बेइज्जत नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज फिर मेरा उसका इक्वेशन खराब हो जाएगा तू है ना तू तू उस टीम की स्ट्रेंथ है पहले वो लोग तेरे को बोले कि तू टीम के साथ खेल तू अपना ओपिनियन मत रखे बट तू स्ट्रेंथ है